Hello and very good morning to my dear students. Today we have a quiz for the students of class 6. Subject is civics from SST and lesson number 8, rural livelihoods. Rural livelihoods क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोगों के द्वारा काम किया जाता है जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके. The work done by the rural people in earning their bread is known as रूरल लाइवलीहुड्स. इस लेसन के अंदर हम एक कलपट्टू गांव की चर्चा करेंगे साथ साथ में, जहां पर फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, और उससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कलपट्टू गांव में कितने प्रकार की जो है वहां पर एग्रीकल्चर फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स क्या कुछ है. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विज अपना. लेट्स गेट स्टार्टेड. Our first question is, in which state Kalpattu village lies? Kalpattu village कौन से स्टेट में पड़ता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और तमिलनाडु. And the right answer is, क्या है right answer? बताइए फटाफट. Right answer है तमिलनाडु. तमिलनाडु में ये Kalpattu गांव पड़ता है. क्वेश्चन नंबर टू, पर्सन हु वर्क्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इज नोन एज. वो लोग जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल लेबरर, माइग्रेंट, फार्मर, लैंडलॉर्ड्स. और इसका सही आंसर है एग्रीकल्चरल लेबरर. वो मजदूर के रूप में जो खेतों में मजदूरी करते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल लेबरर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज कुरुथम्मा. If you have read or gone through the lesson very well, you must know the answer. Raman's wife, Ramlingam's wife, agricultural laborer, milkmaid. Kuruthama कौन है lesson के अंदर? और इसका सही answer क्या होगा? It's a Ramlingam's wife. Ramlinga जो है landlord है उसकी wife का नाम Kuruthama है, and she supervises all the agricultural laborers working in her field. उसके फील्ड में जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स उसको वो सुपरवाइज करती है. पर्सन गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क इज नोन एज पिलग्रिम, वर्कर्स, माइग्रेंट्स, नन ऑफ दीज. जो लोग प्लेस टू प्लेस जाते हैं काम की तलाश में उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है माइग्रेंट्स, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, Nearly dash of all rural families are agricultural labor in our country. हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर लेबर के रूप में लगभग गाँव के अंदर कितनी फैमिलीज हैं? हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, टू फिफ्थ. और इसका सही आंसर है माई डियर स्टूडेंट्स टू फिफ्थ. इसका मतलब ये हुआ कि हर पांच में से दो परिवार गांव के अंदर, हर पांच में से दो परिवार ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मच लैंड डू शेखर हैज इन द लेसन. इस लेसन के अंदर शेखर के पास कितनी जमीन है? वन एकड़, टू एकड़, थ्री एकड़ और फोर एकड़. और इसका सही आंसर है टू एकड़. देखिए, पहले जो हमने एक दो क्वेश्चन किए देवर रिलेटेड टू लैंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और इन द मिडल ऑफ द लेसन देयर इज शेखर. शेखर के पास क्या है? दो एकड़ जमीन है. बड़ी छोटी सी जमीन के साथ वो जो भी खेती करता है उसकी फसल को बेचकर वो अपने परिवार का गुजारा करता है, लेकिन समय समय पर उसे कुछ लोन भी लेने पड़ते हैं. आगे हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज शेखर बोरो लोन फ्रॉम. उसे लोन कहाँ से लेना पड़ता है? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मनी लेंडर और रामलिंगा. वो कहां से, किससे लेता है अपना लोन? तो इसका सही आंसर है मनी लेंडर से, शाहूकारों से वो लोन लेता है. किस लिए लेता है? फर्टिलाइजर के लिए, सीड्स के लिए, और फिर उन्हीं को उसे अपनी कम कीमत पर फसल भी बेचनी पड़ती है, लेकिन वो क्या करे, उसे लोन लेना पड़ेगा. उसके बाद है, व्हाट परसेंट ऑफ फार्मर्स आर रिच इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में कितने परसेंट ऐसे फार्मर्स हैं जिन्हें हम रिच कह सकते हैं या जो फिर रामलिंगा जैसे हैं? 20, 30, 40 या फिर 50. और इसका सही आंसर है
20% less amount. Next, why is fishing not done during the monsoon? हम कलपट्टू गांव की बात कर रहे हैं, वहां पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में फिशिंग भी है और हमें ये बताना है कि वहां पर जो लोग फिशिंग करते हैं वो चार महीने, लगभग चार महीने, मॉनसून के चार महीने फिशिंग नहीं करते. बट वाई दे डू नॉट दिस? बिकॉज इट इज अ रेनी सीजन, फिश ब्रीडिंग टाइम, हार्वेस्टिंग सीजन, ऑल ऑफ द अबव. यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज इट्स अ फिश ब्रीडिंग टाइम. इन चार महीनों में फिश जो है आगे ब्रीड करती हैं, आगे बच्चे पैदा करती हैं, अंडे पैदा करती हैं, ताकि उनमें से और मछलियां बन सकें. इसीलिए जो मछुआरे हैं, जो लोग फिशिंग करते हैं, वो उन चार महीनों में समंदर में नहीं जाते. आर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ कलपट्टू? डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं? और इसका सही आंसर जो है वो आपको बताना है. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सभी जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द टेस्ट. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड गुड बाय.